पे थे बड़ी काफी प्रॉब्लम में आ सकते थे। फाइनल बॉस ने यहाँ पे स्पाइडी का गेम कंफर्म किया, वहीं पे क्लाउन वाई ने एसएलआर से रॉबिन गॉड को नॉकआउट कर दिया, वहाँ पे प्रिंस ने 420 ओपी की किल कंफर्म कर दी, अल्ट्रॉन ने जेएसएल सूर्या जो ओपी है उनको किल कंफर्म करके बाहर निकाल दिया। 12वें पोजीशन पे जेएसएल निकलती एक किल से, उनको एक पॉइंट मिलेगा वहीं पर, और किल से हमने यहाँ पर जेएसएल फैज को भी नॉकआउट कर दिया। सो जेएसएल के लिए तो बिल्कुल डेथ सिचुएशन हो चुकी है। बड़ा अगर आप यहाँ पे जिक्सॉ को देखोगे बहुत प्यारे उसे सिंगल टैप से किल स्टील भी करा था कि यहाँ पे एलिमेंट का फ्रॉस्ट सामने है वो वन से बचा हुआ था, यहाँ पे नियो नाइक ने उसे फिनिश करा, बट सामने जो जिक्सॉ है उनको अभी भी स्पॉट कर सकते थे। यहाँ पे क्रिएट के पास लूटने गए सिंगल टैप से वापस से कनेक्ट करेंगे, नियो नाइक का भी यहाँ पे खेल खत्म करा। सेवन सीज के पास एक हाई रेज एडवांटेज है जहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के स्कॉर्पियो यू कैन सी हर जगह पे उनके पास एक विजन है, एक अपर ग्राउंड है, एंड सनॉक में आपके पास ऐसे रेजेस बहुत कम है जहाँ पे ये एक ऐसा रेज है जहाँ पे हर चीज देख सकते हो। जहाँ पे आप देखो आपने देखा पीछे वीरू टीम जेनोसाइड के प्लेयर को जहाँ पे आज गेमर अकेले बचे थे उनको देख सकते, बट यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के विलन के सामने स्मोक बॉल्स बने हुए, जहाँ पे ऑरेंज रॉक का स्क्वाड एंड मावी है लेफ्ट साइड में, क्या विलन यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे, मावी वहां से बाहर निकलेंगे स्मोक बॉल के कि नहीं, यस वहां से बाहर निकले बट तब तक वहां से क्लाउन ही निकल चुके थे, बट यहाँ पे किल्सम को नॉकडाउन करा एस्टेक स्पोर्ट्स के, क्लाउन यहाँ पे सामने स्पॉट हो चुके हैं, यस ही गॉट नॉकडाउन, मावी यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन ट्रेकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लोज एनकाउंटर में वहाँ पे एक्सोटिक को भी टैग दिया, एक पुश देखने को मिल सकता है वहाँ पे विलेन के पास, 35 बुलेट तो माइक्रो उसी में डैमेज दिया अच्छा खासा था, बट फ्री फायर यहाँ पे देखने को मिलेगा मावी की साइड से, बट विलेन ने नॉकडाउन करा मावी को विद दैट माइक्रो उसी एक्सोटिक वहाँ पे अब फिर से, और दलजीत को भी यहाँ पे फिनिश करेगा, बट दलजीत की वहाँ पे बहुत प्यारी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिली, गेम सेंस बहुत ज्यादा इस वाले प्लेयर में, प्लस एक्सपीरियंस की बात करें तो कहीं भी कमी नहीं है। विलेन सामने टीवी भी ले रहे हैं दलजीत के सामने, क्यूबीजी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बट वहाँ पे विलेन ने ओ आर मावी का खेल इस वाले मैच के लिए खत्म करा, विलेन वहाँ पे माइक्रो उजी चला रहे, क्यूबीजी का फायर रेट उतना नहीं है जितना माइक्रो उजी का, यहाँ पे लेजर यहाँ पे देखने को मिलेगी वो स्प्रे क्लोज एनकाउंटर का दलजीत का, बट वहाँ पे वो अभी भी पीक करके ट्राई कर रहे हैं ऊपर प्लेयर आ जाए, बट यहाँ पे दोनों साइड से पड़ेगी, दलजीत विल गेट एलिमिनेटेड इन दिस मैच इन दैट सेंस, यहाँ पे ओआर के पास थर्ड प्लेस है बट सेवन सीज के पास 10 किल है एंड दे आर इन दैट टॉप टू, बट वीरू ने यहाँ पे एक किल वहां पे कंफर्म करा, बट लाइफ क्राफ्ट के तीन प्लेयर हैं, वीरू यहाँ पे अपिल से देखते हैं कितने नॉक ले पाते, एक ग्रेनेड यहाँ पे अपिल क्लाइम करा है, बट यहाँ पे वीरू नॉकडाउन हो सकते थे, बट वीरू आए नीचे ही गॉट नॉकडाउन बाय फॉलिंग, ये थोड़ा सा अपसेट एक गेम प्ले देखने को मिला फ्रॉम सेवन सीज, यहाँ पे वीरू ने अपना एक सुसाइडल मूव दिखाया, बट ये मैच बहुत प्यारा खेलिया, मवी ने दूर शॉट करने करने की कोशिश करी उनके सामने माइटी, और माइटी को भी नॉकआउट कर दिया उन्होंने स्मोक के अंदर, एंड ये एक बिल्कुल नाइटमेयर सिचुएशन है यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के, बिकॉज उनके आसपास दूर दूर तक कोई भी प्लेयर नहीं है, और दूर जो सबसे पास प्लेयर है वो भी पेन है, अगर थोड़ा प्लेयर्स तो वो पोजिशन एटलीस्ट टॉप 5 या टॉप 6 तक जाए। एग्जैक्टली वो कोशिश करेंगे, उन्होंने फर्स्ट एड भी ले ली, 6 से ज्यादा उनके पास फर्स्ट एड हो चुकी है, जो जीत तो सकते नहीं है बट पोजीशन काफी अच्छी हो चुकी है, अल्ट्रॉन ने यहाँ पे डीडी को पिक ऑफ कर लिया है और जेनोसाइड के काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है, डीडी की किल कंफर्म करी यहाँ पे एस्टेक के सेटन, काफी स्मार्ट प्ले था यहाँ पर, मेहनत अल्ट्रॉन की और फल खाया यहाँ पर सेटन ने, बट यस गेम के अंदर बनना है उनको सर्कल के अंदर जाना है और सर्कल किसी भी सेकंड यहाँ पे चालू हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 सेकंड बाद चालू हो जाएगा, और दोनों गाड़ियां यहाँ पर निकल चुकी हैं और दे आर रशिंग टूवर्ड्स एनवायरमेंट सेल्स, और मेरे हिसाब से उनको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इस गाड़ी का यूज कर सकते हैं, उनके पास 2 गाड़ियां मिल चुकी है और इस गाड़ी का अगर यूज करें तो फायदा होगा, उन्होंने सीधा चार्जिंग किया है 7 सीज के कंपाउंड के अंदर, फाइनल बॉस नहीं है यहाँ पर, बट एंटो ने यहाँ पर एस्टेक के नॉट ओपी को नॉकआउट करा, वहाँ पे जेनोसाइड के नूब भी नॉकआउट हो चुके हैं, प्रिंस ने यहाँ पे गॉर्डन स्मोकी को नॉकआउट कर दिया और गॉर्डन एलिमिनेट होती है 12वें नंबर पे एक किल के साथ, और जो एस्टेक है इन्होंने काफी जोशो शोरों से यहाँ पे बिल्कुल इनिशिएट किया था, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 पे यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, सेटे यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश करें, अगर इस वक्त 7 सीज का कोई आगे आता है फायदा हो सकता है यहाँ पे, सेल्स 2 किल निकाल चुके हैं, मेरे ख्याल से 7 सीज का एक पेयर है जो यहाँ पे किल निकालना चाहता है यहाँ पे एस्टेक, उन्होंने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया और 10वीं पोजीशन पे एस्टेक ईस्टपोर्ट निकलती है और 720 ओपी जो 7 सीज का 420 ओपी है 420 इन प्लेयर्स को देखने को मिलेंगे, बट बाहर राइट हैंड साइड के ओआर का भी पूरा स्क्वाड वापस जिंदा, आईकी माफे का स्क्वाड 7वें पोजीशन में 0 किल्स का एलिमिनेट होता हुआ, 7 सीज वीरू का यहाँ पे किल कंफर्म हुआ है और M40 का राइवल बहुत ज्यादा यहाँ पे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जहाँ पे ओआर का जॉन भी वहाँ पे सामने स्पॉटेड है, बट 420 ओपी लास्ट मैन स्टैंडिंग जहाँ पे वो हील बैटल करता हुआ नजर आएगा, 25 फर्स्ट एड्स हैं उसके पास, टॉप 6 में 7 सीज यहाँ पे आ चुके हैं, ओआर जॉन ने वहाँ पे -40 के राइवल को नॉक एंड फिनिश करा, ओआर वापस आते हुए इस वाले मैच में रूथलेस को यहाँ पे एलविस के ड्यूक ने नॉकडाउन करा, वो खुद भी बाहर प्ले जोन से नॉक हो जाएगा एंड एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ही वाज द लास्ट मैन फॉर हिज टीम, नेक्सस ओपी भी यहाँ पे हील बैटल कर रहा है, उसके पास 9 फर्स्ट एड्स हैं, 2 टीम यहाँ पे ऑलरेडी हील बैटल करती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक एंड टीम नंबर 6
आपको नजर आएगी इस वाले मैच में, दैट इज एलिमेंट ई स्पोर्ट्स फाइनल सर्कल में फाइट। एंड यहाँ पे स्प्रे ट्रांसफर करा बट सामने से वो प्लेयर्स किल निकालेंगे। यस ओआर जॉन एक और किल कंफर्म करता हुआ अपनी टीम के लिए, सेवन सीज एलिमिनेट होती हुई फाइनल सर्कल यहाँ पे आता हुआ एलिमेंट ई स्पोर्ट्स के 3v4 आपको देखने को मिलेगा। प्ले जोन से लाइफ क्राफ्ट का भी विलन एलिमिनेट होता हुआ टॉप टू टीम कर सकते हैं, और एलिमेंट को रिलाइज करना पड़ेगा कि दोनों को रोटेट करना है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि प्रिंस ने टाइम पे रोटेट क्यों नहीं किया और यहाँ पर वो प्ले जोन से नॉकआउट हो चुका है। ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। गबन यहाँ पे ओआर जोन को नॉकआउट कर दिया, वहीं पे दलजीत ने प्रिंस को नॉकआउट कर दिया है और द सिचुएशन इज, और वहीं पे ऑरेंज रॉक और इजी चिकन है ना, वहाँ पे 27 पॉइंट्स के साथ ऑरेंज रॉक नंबर वन पोजिशन पे होगी और सेकंड पर यहाँ पर इस बार किल्स यहाँ पे रॉबिन को नॉकआउट हो चुके हैं। अब तीन पेयर में से एक पे नॉकआउट हो चुका है, दे हैव टू रिवाइव हिम, बट उससे पहले यहाँ पर सूर्य ऑफी अपने आपको फर्स्ट एड देके अपने आपको हील अप कर रहे हैं। दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर सेवन सीज टू जस्ट गेट इनटू देयर बैटल डाउन और आराम से वहां खत्म करें, स्मोक करके बचाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और बाकी के सारे प्लेयर आ चुके हैं यहाँ पे, जो नेट स्पैम हो रहे हैं ये आसान नहीं होगा। बट वहीं पे सेवन सीज के वीरो पीछे से आते हैं, ग्लेव ने नॉकआउट पीछे से थोड़ा बैकस्टैप करने की कोशिश करी बट इंस्टेंटली खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा डैमेज उन्होंने ले लिया है। और जिक्शॉ इज रनिंग फॉर दैट प्लेयर बट यहाँ पे फाइनल बॉस नॉकआउट हो चुके, सूर्य ओपी ने अपनी M416 से नॉकआउट कर दिया है। जिक्शॉ ने यहाँ पे ग्लेव को नॉकआउट कर दिया और दूसरे प्लेयर फैज भी नॉकआउट हो चुके हैं। जेएसएल के लिए एक नाइट प्लेयर से ज्यादा कुछ नहीं, एक बुरा सपना है यहाँ पर। रॉबिन गॉड काफी कम एचपी में है यहाँ पर और फाइनल बॉस की क्लिल कंफर्म करी, फाइनल बॉस एक गलत हिस्से में चले गए थे बट मुझे लगता है कि जेएसएल का इस मैप से नामो निशान मिटाने वाले हैं जल्दी से सेवन सीज। बिल्कुल यहाँ पे एक प्लेयर उन्होंने ट्रेड ऑफ में खोया जहाँ पे फाइनल बॉस फिनिश करा था, वो शॉट से नॉकडाउन हुआ। वहाँ पे ओआर एंटो इज डूइंग समथिंग फॉर हिज टीम, वहाँ पे बहुत प्यारा एंटो का वहाँ पे स्प्रे आता हुआ। एंड यस वहाँ पे वन साइडेडली मेगा का स्क्वाड पूरा निकाला ओआर के स्क्वाड। यहाँ पे दलजीत का आखिरी थोड़ा सा असिस्टेंट दिखा वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने स्वैग को आखिरी किल निकाला, बट टीजी का स्क्वाड टीम जेनोसाइड आखिरी में बहुत ज्यादा दिक्कत में आती है। क्रिटिक 07 सामने से आ रहे अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए, अच्छा डिप है वहाँ पे, इंसियन का स्क्वाड भी अपने प्लेयर को रिवाइव देगा। वहाँ पे जेरफ ने एक प्लेयर नॉकडाउन करा विद दैट कारल स्प्रे बट लाइव क्राफ्ट का स्क्वाड वहाँ पे टीम जेनोसाइड को पीछे थर्ड पार्टी कर सकता है बट आईएम का स्क्वाड टू मैन स्क्वाड है। अब देखते हैं इस वाले मैच से कितना आगे जाएंगे बट एक ग्रेनेड यहाँ पे पुल करने की कोशिश करी बट जो ग्रेनेड तो वहाँ पे पीछे से निकले बट आईएम की पेन ने वहाँ पे आज गेमर को फिनिश करा। बट पीछे से एक और बहुत प्यारा सा रैंडम स्प्रे आता हुआ पेन के साइड से वो स्मोक बॉल में एंड पूरा टीम जेनोसाइड वहाँ पे एलिमिनेट होती हुई एग्जैक्टली यहाँ पर। और चीक पैड का स्नाइपर देख के सेटन को उन्होंने नॉकडाउन करा बट गॉर्डल के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे मुसीबतें खड़ी होती हुई बिकॉज दो प्लेयर नॉकडाउन बट वहाँ पे सेटन फिनिश होते हुए नवजोत के। एंड अभी आप देखोगे गॉर्डल के स्पॉट को थोड़ा सा रिवाइव मिल रहा है एंड बाकी बट यहाँ पे पीछे हो गए गॉर्डल गिल के, यहाँ पे रिवाइव कैंसिल हुआ, कैरी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हुए बाकी अब फिर से वो 9 सेकंड लगे वाटर। प्रिंस ने नॉक फिनिश करा वहाँ पे जिक्सॉक को एंड सेवन सीज इस बार अर्ली एग्जिट लेती हुई, टॉप 10 में वो लोग एंटर नहीं करे, #11 पोजीशन उन्होंने लिए। ग्रेनेड्स यहाँ पे पॉप करके आगे फेंके जा रहे हैं जस्ट इन केस बट वहाँ पे एग्जिट ने AWM का शॉट कनेक्ट करा RB नॉट OP को, सामने स्मोकी अभी भी नॉकडाउन है। एग्जिस्टेंस वहाँ पे थोड़ा सा कवर फायर देते हुए जहाँ से एस्ट्रिक्स के प्लेयर क्लोज इन कर रहे हैं बट एग्जिस्टेंस वो चेन के प्लेयर 2 एंड 4 काफ़ी बार नॉकआउट हो चुके हैं। सो हर बार नॉकआउट होंगे, हर बार नॉकआउट होने पे उनकी जो पावर रीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर कैरी ने यहाँ पर क्लाउमे को नॉकआउट करा, बिक्चिल भी नॉकआउट हो चुके हैं, वहाँ पे पीछे से विलन ने अपनी उजी से कैरी को नॉकआउट किया बट वहीं पे क्लाउन वाई को भी मार गया। मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी यहाँ पर जो टीम है हमारी लाइफ क्राफ्ट उनका सफर खत्म होने वाला है, बैक टू बैक उनके टीम पे नॉकआउट हुए हैं, उनकी किल भी कन्फर्म होती जा रही है। वहीं पर लाइफ क्राफ्ट के न्यू वाइटी रोटेट करके यहाँ पर अपनी टीम के लिए इम्पैक्टफुल फ्लैगिंग दिखा रहे हैं। स्मोकी वजह स्मोकी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा बट उससे पहले स्मोकी ने डैमेज लिया बट यहाँ पर अपनी किल कंफर्म करी और इसी के साथ 8वीं पोजीशन पे निकलती है लाइफ क्राफ्ट जिनके पास ही 5 किल और जो ये गॉडल का बिल्कुल गॉड सेविंग क्लच हुआ है यहाँ पर स्मोकी ने जो निकाला है। यहाँ पे रिवाइव नहीं करें कैरी को, मे बी थोड़ी देर फिर से भागेंगे और स्मोक कर करने की कोशिश कर रहे हैं बट बिलीव काफ़ी जल्दी उन्होंने क्लैश इन किया सीधा और चार्जिन कर वो एक ऐसे कंपाउंड में आए जहाँ पर MYM के ड्यूक है, यहाँ पे एल्च के ड्यूक थे, ड्यूक खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी किल देने आ गए यहाँ पर और सीधा वो स्निपू भी कोशिश करेंगे अंदर घुसने की बट ये काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है स्निपू के लिए। स्निपू भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। स्नाइपू व्हाट यू हैव डन, वो आराम से आप होल्ड कर सकते थे, गेम में सके बट अभी ये बचे हैं दूसरे कंपाउंड के अंदर अभी और मैट, उन्होंने मतलब 2v2 सिचुएशन थी उस घर में उनके लिए और यहाँ पे जो एल्फ क्लैन है वो MYM के सामने उनको हार माननी पड़ी बट वही है यहाँ पे एलिमेंट के गब्बर ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं वहाँ पे प्री नेड्स पर, वहाँ पे प्लेयर्स नॉकडाउन हुए ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स, प्रिंस भी वहाँ पे ग्रेनेड फेंक रहे हैं, बहुत प्यारे यहाँ पे फ्रेक्स देखने को मिले। एंड क्लोज एनकाउंटर में अब आपको एलिमेंट स्क्वाड दिखेगी जहाँ पे प्रिंस वहाँ पे उनके नॉकडाउन में मारी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ऑरेंज रॉक बट ग्रेनेड्स अभी भी रोल डाउन हो रहे हैं। गॉडल्स का स्क्वाड उस वाले कंपाउंड में पुश कर चुका है जहाँ पे स्क्वाड हाउस में होल्ड कर रहे थे एल्फ का स्क्वाड। ऑरेंज रॉक हैज बीन एलिमिनेटेड, यहाँ पे अल्ट्रॉन ने आखिरी प्लेयर निकाला एंड प्रिंस के पास भी बहुत सारे किल्स मिलेंगे इस बार।
पे मैट बचे हुए हैं और मेरे ख्याल से मैट के साथ एक अभी भी थे, बट उन्होंने सीधा घुसने की कोशिश की, बट अभी के पास अच्छा फायदा हो सकता है। बट अभी ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया, वो अपनी किल कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, बट ये गॉडल के प्लेयर काफी ज्यादा एग्रेसिव खेल चुके हैं, वो अपने प्लेयर को अंदर ही बेट कर चुके हैं। अभी ने कोशिश करी बैक टू बैक दो किल निकाली, अभी ने यहाँ पर उनको भी मार गिराया, गिल को भी, और गॉडल अगर थोड़ा सा सिंक्रोनाइज खेलती तो शायद से उनके इतने प्लेयर का नुकसान नहीं होता, बट यहाँ पर गॉडल को अब दो प्लेयर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा जिसके साथ एक प्लेयर अभी नॉकआउट है। एलिमेंट के जीते के चांस बढ़ जाएंगे और इसी के साथ मुझे लगता है कि इट विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम कि जो टीम एलिमेंट्स है यहाँ पर चिकन डिनर निकालने वाली है। बिल्कुल, और ऊपर से अगर आप देखो एल्व्स का स्क्वाड जो इस वाले कंपाउंड में परफेक्ट पोजीशन में था, बट अब फ्रॉस्ट ने यहाँ पे सेल्स एमजे को फिनिश करा, आखिरी बंदा बचा हुआ था एमजे और फोर्थ प्लेस पे यहाँ पे सेल्स निकाल के गई है, बट राइट हैंड साइड से वो लोग रोटेशन डाल रहे हैं। एलिमेंट का स्क्वाड राइट पे, गॉडल का स्क्वाड अंदर जाएगा और यूएस अपनी पार्क करेगा उन स्मोक बॉल्स में, बट कैरी को वहाँ पे डैमेज पड़ा है। यस, अल्ट्रॉन ने नॉकडाउन करा वापस से एक्जिस्टेंस उस वाले स्मोक बॉल से आगे आने की कोशिश, बट वहाँ पे ही इज ऑल्सो 1 HP ओवर देयर एंड एक्जिस्टेंस को क्या वहाँ पे फिनिश करेंगे। कैरी तो वहाँ पे हो चुका है फिनिश वो सिंगल टैप से, वो प्रिडिक्टिव सिंगल टैप वहाँ पे देख रहे हैं, बट वहाँ पे नवजोत नॉकडाउन हुए, प्रिंस का एक और किल वहाँ पे आता हुआ, मेयम बिले ने वहाँ पे फिनिश करा है एक्जिस्टेंस को। इट इज 1 vs 4 सिचुएशन, नवजोत को यहाँ पे कोई रिवाइव नहीं मिलेगा, ही विल गेट फिनिश, प्रिंस नहीं, अपने आप ने वो किल कंफर्म करा, बिलीव आखिरी बंदे बचे हुए हैं, फाइनल सर्कल, क्या स्मोक बॉल बना के बिलीव अपने आप को, पहले दो दो वहां पे प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा, फिर बाद में 1 vs सिचुएशन बनेगी, बट यहाँ पे फ्रॉस्ट को डैमेज दे रहे हैं, बट यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, फ्रॉस्ट नहीं निकाला आखिरी किल, एलिमेंट स्क्वाड बैक ऑन रोल ओवर देयर। क्या बेहतरीन मैच रहा है ये वाला, 16